वेलकम। साइंस की मेरी सीरीज़ में आज के लेक्चर का टॉपिक है बिग बैंग। बिग बैंग इस बात की थ्योरी है कि बेसिकली कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी। पिछली एक सेंचुरी में साइंस ने बहुत तरक्की की है इस बारे में जानने में कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है और यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई थी, और बिग बैंग जो थ्योरी उभर कर आई है वो है। रात में जब आप सितारे देखते हो तो बहुत सारे सितारे देखते हैं, इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि अनगिनत तारे हैं आसमान में। लेकिन सच्चाई यह है कि कितनी भी डार्क नाइट हो, आप आसमान में 1,000, 2,000, 3,000 से ज़्यादा सितारे नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि आसमान में सितारे कम हैं, इनफैक्ट आसमान में जो है 10 की पावर 22, यानी कि 10 करोड़ 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 सितारे हैं। ये सितारे क्या आसमान में रैंडमली स्कैटर्ड है जैसा दिखता है, देखने में लगता है? ऐसा नहीं है। ये सितारे जो है आसमान में रैंडमली स्कैटर्ड नहीं है, बल्कि सितारे जो है वो क्लस्टर्स में है। मतलब खूब सारे सितारे एक क्लस्टर में होंगे, फिर खूब सारी खाली स्पेस, फिर खूब सारे सितारे एक क्लस्टर में होंगे, इस तरह से स्कैटर्ड है। और इन क्लस्टर्स को हम गैलेक्सीज कहते हैं। हमारा सितारा सूरज जो कि एक स्टार है, वो भी एक गैलेक्सी का पार्ट है जो कि है मिल्की वे। जो कि अगर आप किसी गांव में जाएं जहां लाइट पॉल्यूशन से दूर हो, या पहाड़ों में जाएं और वहां अगर आप देखेंगे तो एक वाइट बैंड दिखेगा जैसा कि इस फोटो में दिख रहा है, और वो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे। लेकिन हम ये सब कैसे जानते हैं? ये इसका काफ़ी सारा श्रेय जाता है एडविन हबल को, जिन्होंने ना कि ये दिखाया कि हमारी गैलेक्सी इकलौती गैलेक्सी नहीं है, और भी कई सारी गैलेक्सी हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिखाया, कंप्यूट किया कि वो गैलेक्सीज कितनी दूर हैं, गैलेक्सीज का डिस्टेंस भी नापा। ये एडविन हबल की फ़ोटो है, 1889 में एडविन हबल पैदा हुए थे, और 1925 में उन्होंने माउंट विल्सन में ऑब्जर्वेटरी थी वहाँ पर, और वहाँ पर उस समय सबसे बड़ा टेलीस्कोप था, वहाँ पर एज एन एस्ट्रोनॉमर ज्वाइन किया था। और एक चीज़ जो जिस पर उन्होंने काम किया था वो यही कि गैलेक्सीज़ का डिस्टेंस निकालें। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू कंप्यूट डिस्टेंस टू अ गैलेक्सी? आप कैसे घर में बैठे बैठे गैलेक्सी का डिस्टेंस निकालोगे? कैसे कोई निकालता है? तो उसका जवाब ये है कि पहले हम ये सीखते हैं कि पास वाले सितारों का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। हमारी गैलेक्सी में जो स्टार्स हैं, या फिर जो स्टार्स हमसे काफ़ी पास हैं, उनका डिस्टेंस हम निकालते हैं स्टार पैरेलैक्स की मदद से। इसकी बात हमने पहले भी एक लेक्चर में की थी। जब धरती सूरज का चक्कर लगाती है तो धरती जो है मतलब जो है चेंज होती है, और चेंज होने की वजह से जो स्टार है उसकी रिलेटिव पोजीशन बैकग्राउंड में चेंज होती हुई दिखेगी। मान लो आपका अंगूठा है भाई, पैरेलैक्स ये होता है कि कोई पास वाली चीज़ अगर आप मूव करते हो तो दूर वाली चीज़ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पास वाली चीज़ मूव होती हुई दिखाई देती है। तो स्टार पैरेलैक्स की मदद से स्टार में कितना एपरेंट चेंज आया है धरती के ऑर्बिट में, उससे हम नियरेस्ट स्टार का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जितना पास होगा स्टार उतना ही उसका पैरेलैक्स होगा, जितना दूर होगा उतना ही कम होगा। इनफैक्ट जो तारे बहुत दूर होंगे, जो और गैलेक्सीज में होंगे, उनमें पैरेलैक्स नहीं दिखेगा इतना। इसकी मदद से हम दूर के सितारों का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। दूर के स्टार्स का डिस्टेंस निकालने के लिए हम इनडायरेक्ट टेक्निक निकालते हैं, और वो है कि वो कितना जगमग हैं आसमान में। किसी भी स्टार आसमान में स्टार्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, तो उनका चमकना किस बात पर डिपेंड करेगा? एक ये है कि वो कितनी लाइट एमिट कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा वो लाइट एमिट करेंगे, जैसे हम ल्यूमिनोसिटी कहते हैं, उतना ज़्यादा वो चमकेंगे। दूसरा ये है कि उनका डिस्टेंस कितना है। अगर वो ज़्यादा दूर होंगे तो उनकी ल्यूमिनोसिटी जो है, उनकी जो ब्राइटनेस दिखेगी वो कम दिखेगी, क्योंकि वो बहुत दूर है ना? तो जो ब्राइटनेस है किसी भी स्टार की, वो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी में स्टार हैं, उनका डिस्टेंस हमने निकाल लिया क्योंकि पैरेलैक्स है, और उनकी ब्राइटनेस कितनी है वो हम देख के बता सकते हैं। तो हम बता सकते हैं कि ल्यूमिनोसिटी कितनी है, कितनी लाइट वो स्टार एमिट करता है जो पास है हमारे। हम बता सकते हैं फॉर एग्जांपल कि सूरज कितनी लाइट एमिट करता है। लेकिन जो स्टार दूर हैं उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं वो देखते हैं। देखो, ये साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि कुछ पर्टिकुलर स्टार्स जो होते हैं उनकी ल्यूमिनोसिटी हमेशा सेम होती है, मतलब वो उतनी ही लाइट एमिट करते हैं। तो ये अजम्पशन भी काइंड ऑफ रीजनेबल है मानना कि एस टाइप के स्टार अगर किसी और गैलेक्सी में होंगे तो वो भी सेम लाइट एमिट करेंगे। तो अगर हम ये मान लें कि जो बहुत दूर स्टार्स हैं और वो स्टार्स उतनी ही लाइट एमिट कर रहे हैं, तो हमें उनकी ल्यूमिनोसिटी पता है, और हमें पता है कि वो कितना चमकते हैं,
तो ये इनडायरेक्ट मेजर से हम उनका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। एडविन हबल ने इस मेथड को लगाकर खूब सारे डिफरेंट स्टार्स का डिस्टेंस निकाला। और इनफैक्ट अगर तुम एक स्टार का डिस्टेंस निकालोगे, बहुत दूर है वो स्टार, उसका डिस्टेंस तुमने निकाल लिया, और फिर तुम उसके पास वाले एक और स्टार का डिस्टेंस निकालोगे, और वो अगर मान लो सेम आए, अगर खूब सारे स्टार्स जो आसपास हैं उनका डिस्टेंस अगर सेम आए, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है एक क्लस्टर में है। और मान लो एक आएगी है ना एक्स दूर, और कोई एक और स्टार एक्स दूर आए तो वो क्लस्टर में है, फिर एक आए 2x दूर और उसके आसपास वाले स्टार्स भी 2x दूर हैं तो वो एक और गैलेक्सी में है। तो ये जो डिस्टेंस होगा उन स्टार्स का, उन आसपास वाले स्टार्स का, वो उस गैलेक्सी का डिस्टेंस हो जाएगा। गैलेक्सी का डिस्टेंस इतना दूर होगा कि आसपास में स्टार्स का थोड़ा बहुत जो वेरिएशन होगा वो दैट विल नॉट मैटर, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत कम होगा कंपेयर टू जो यहाँ से उस गैलेक्सी का डिस्टेंस होगा। सोचो ये कितनी बड़ी इंटेलेक्चुअल लीप होगी। एडविन हबल ने इस मेथड को यूज़ करके 9 डिफरेंट गैलेक्सीज का डिस्टेंस निकाला था, और मैं बिलीव नहीं कर पाता कि इसने कितना दूर हमको ला दिया होगा। एक टाइम था सिर्फ 2000 साल पहले, जो कि अर्थ की मिलियंस और बिलियन ईयर्स की इवोल्यूशनरी साइकिल में कुछ भी नहीं होता। 2000 साल पहले एरिस्टोटल और टॉलमी सोचते थे कि धरती जो है अर्थ जो यूनिवर्स का सेंटर है और उसके आगे सब चक्कर लगाता है। और अब हमारी अर्थ जो है एक बहुत ही ऑर्डिनरी प्लेनेट थी, जो कि एक बहुत ही ऑर्डिनरी स्टार का चक्कर लगा रही थी, जो ऑर्डिनरी स्टार एक बहुत ही ऑर्डिनरी गैलेक्सी मिल्की वे का पार्ट था, और ऐसी इकलौती गैलेक्सी नहीं थी, ऐसी बहुत सारी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। लेकिन यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं हो जाती। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो जो एडविन हबल ने नोट की, वो हम बात करते हैं उसकी। जब तुम किसी भी स्टार से आने वाली लाइट को देखते हो और उसे प्रिज्म से पास करते हो, न्यूटन ने दिखाया था कि तुम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हो तो उसका स्पेक्ट्रम बन जाता है विबग्योर, वायलेट से लेकर रेड तक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम होता है। तो तुम स्टार्स से आने वाली लाइट भी उनका स्पेक्ट्रम निकाल सकते हो, लेकिन स्टार्स में क्या होगा कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होंगे। मान लो एक स्टार में हाइड्रोजन एटम है, और मान लो वो जो है वायलेट ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो तुम जब स्पेक्ट्रम देखोगे तो पाओगे कि ग्रीन लाइट बहुत कम है, ग्रीन लाइट में काला काला आ रहा है। तो इन ऑब्जर्वेशन पैटर्न से तुम ये भी निकाल सकते हो कि भाई उस स्टार में कौन से केमिकल एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसका कंपोजिशन कैसा है। और जब खूब सारे स्टार्स का, एक गैलेक्सी के सारे स्टार्स का तुम स्पेक्ट्रम देखोगे तो तुम पाओगे कि भाई पूरा स्पेक्ट्रम है, लेकिन कहीं कहीं पर एब्जॉर्प्शन लाइन आ रही हैं, क्योंकि उस गैलेक्सी में कुछ सितारे हैं जो पर्टिकुलर लाल कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ येलो कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एडविन हबल ने दो पर्टिकुलर पैटर्न लिए, एक अपनी गैलेक्सी में रेड शिफ्टेड पैटर्न लिए, सॉरी गैलेक्सी के स्पेक्ट्रम लिया, और एक और गैलेक्सी का पैटर्न लिया। दिखने में वो बिल्कुल एक जैसे थे, बस इतना था कि जो दूसरी गैलेक्सी का पैटर्न था वो थोड़ा सा रेड शिफ्टेड था, थोड़ा सा रेड शिफ्टेड। एब्जॉर्प्शन पैटर्न एकदम सेम से थे, लेकिन लाइंस थोड़ी सी लाल कलर की तरफ शिफ्टेड थी। इसका क्या मतलब है, ये समझने के लिए हमें बात करनी पड़ेगी डॉपलर इफेक्ट की। क्रिश्चियन डॉपलर, जो कि 1803 में पैदा हुए थे, उनके नाम पर डॉपलर इफेक्ट दिया जाता है। डॉपलर इफेक्ट बेसिकली ये होता है, और हम इसे रोज़मर्रा आम जिंदगी में भी सोचते हैं। जब मान लो ट्रेन आ रही हो, तो आते समय उसकी ट्रेन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है और जाते समय लो फ्रीक्वेंसी पे, सॉरी हाँ हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है और जाते समय लो फ्रीक्वेंसी पे होती है। और इसी तरह साउंड वेव्स में ये फिनोमिना होता है। भाई होता यह है कि मान लो कोई गाड़ी चलते हुए आ रही है, तो एक तरह विजुअलाइज करने का, जो कि इस एनिमेशन में दिखाया है कि गाड़ी चलते हुए आ रही है, तो जो वेव वो एमिट कर रही है और तुम ऑब्जर्वर हो मान लो, तो ये गाड़ी चलते हुए आ रही है तो जो वेव एपरेंट वेव तुम्हें दिखेगी उसकी वेवलेंथ छोटी होगी। वेवलेंथ छोटी होगी मतलब फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। ये एक रफ तरीका है एक्सप्लेन करने का। लाइट में भी यही फिनोमिनन होता है। अगर कोई लाइट सोर्स मान लो येलो कलर की लाइट एमिट करता है, और अगर वो तुम्हारी तरफ आएगा तो जो एपरेंट वेव लेंथ तुम्हें दिखेगी वो वेव जो होगी वो हायर फ्रीक्वेंसी पर होगी, और इसी तरह अगर वो लाइट सोर्स पीछे जा रहा होगा तो जो वेव होगी वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे होगी। तो लोअर फ्रीक्वेंसी लाल कलर की तरफ होती है,
ब्लू और वायलेट जो है हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ होते हैं। तो तुम देखोगे कि कोई भी अगर येलो कलर का सोर्स है वो अगर तुम्हारी तरफ बहुत जोर से आए तो उसकी लाइट ब्लू कलर की दिखेगी, और ये ऑब्जर्व्ड फिनोमिना है, एकदम एक्यूरेट साइंटिफिक फिनोमिना, और दूर जा रही होगी तो वो लाल कलर की तरफ दिखेगी। तो इसका मतलब ये सजेस्ट करता है कि दूर जाने वाली चीज़ें, लाइट सोर्स अगर दूर जा रहा हो तो उसकी कलर लाल की तरफ शिफ्ट होगा। इसका तो मतलब एक ही हो सकता है कि जो यूनिवर्स, जो गैलेक्सीज हैं वो हमसे दूर जा रही है, मतलब जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। और इनफैक्ट जो है एडविन हबल ने एक और सरप्राइजिंग रिजल्ट 1929 में पब्लिश किया, वो ये कि रेड शिफ्ट जो पैटर्न थे वो रैंडम नहीं थे। जितनी दूर कोई गैलेक्सी थी उतना ज़्यादा उसका रेड शिफ्ट था। कोई गैलेक्सी पास है उसका रेड शिफ्ट मान लो इतना है, कोई गैलेक्सी दूर है तो उसका रेड शिफ्ट जितना ज़्यादा था। इनफैक्ट जो रेड शिफ्ट था वो लीनियरली प्रोपोर्शनल था डिस्टेंस से। और हबल ने ये लॉ भी दिया कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एच नॉट इन टू डी, एच नॉट हबल्स कॉन्स्टेंट है, और वेलोसिटी जो जो जिस वेलोसिटी से गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं वो लीनियरली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा वेलोसिटी, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। इस खोज को हम बोल सकते हैं कि 20th सेंचुरी की जो है काफ़ी बड़ी और या फिर सबसे बड़ी खोज थी आर्ग्यूएबली। यहाँ से हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। हमने ये बात कर ली कि भाई जो है गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है जो है यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सपोज हम जो है घड़ी को पीछे कर दें टीवी की तरह, तो इससे क्या पता चलेगा कि गैलेक्सीज जो हैं वो एक समय में बहुत पास रही होंगी। और अगर हम टाइम को और पास कर दें तो क्या कभी ऐसा होगा कि ये सारी गैलेक्सीज बहुत पास पास होंगी, और अगर और टाइम में पीछे जाएं तो क्या होगा। ये थ्योरी कि मैटर एक समय पे इतना ज़्यादा डेंस था कि वो ऑलमोस्ट एक एटम के अंदर आ जाता था, ये थ्योरी 1927 में पब्लिश की थी जॉर्ज लेमैत्रे ने, जो कि 2 साल पहले था हबल के रिजल्ट पब्लिश करने से पहले। और केवल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ करते हुए लेमैत्रे ने ये थ्योरी प्रपोज की थी। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन की है वो भी हम जल्दी ही बात करेंगे उसकी। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से जो है मैटर बहुत ही हॉट स्टेट से काफ़ी टाइम पहले, 13.8 बिलियन साल पहले, मैटर बहुत ही छोटे डेंस कंडेंस स्टेट में था, और फिर एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन में बैंग जो है यूनिवर्स ने एक्सपैंड करना चालू किया, और बहुत ही हॉट स्टेट से धीरे धीरे कूल डाउन होके फिर मैटर बना, गैलेक्सीज बनी, केमिकल एलिमेंट्स बने, फिर वो फिजन होकर स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, और इट कंटिन्यूज टू एक्सपैंड टुडे। कई लोगों को जो है ये थ्योरी उतनी पसंद नहीं आई, और उनके रिवॉल्यूशनरी, उसके ऑपोजिट एक थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। स्टेडी स्टेट थ्योरी में जो है इस बात का फैक्ट आता है कि काफ़ी टाइम से इंसान का ये बिलीफ रहा है कि यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक है। इंसान एक ऐसा जीवन प्राणी है जिसकी की डेथ होती है, इनफैक्ट हर लिविंग बीइंग की डेथ होती है। तो शायद हम इस बात में अपने आप को सोलेस पाते हैं कि चलो हमारी डेथ हो जाएगी, वी विल पास ऑन, बट एटलीस्ट यूनिवर्स विल बी हियर, यूनिवर्स यहीं रहेगा, यूनिवर्स हमेशा से यहीं था, यूनिवर्स कॉन्स्टेंट है। शायद ये थॉट हमें प्लीज करता है। इवन आइंस्टाइन जो है ये बिलीव करता था कि लार्ज स्केल पर यूनिवर्स जो है सिमिलर होता है, और स्पेस और टाइम में सिमिलर है, और एरिस्टोटल का भी यही मानना था। स्टेडी स्टेट थ्योरी ये कहती है कि बिग बैंग थ्योरी की ऑपोजिट होती है, और वो ये कहती है कि मैटर जो है वो जैसे जैसे मैटर एक्सपेंड करता है वैसे वैसे सेंटर्स में और मैटर बनता जाता है, और जो यूनिवर्स है वो लार्ज स्केल पर एक जैसा दिखता है जो है टाइम में भी और स्पेस में भी। यानी कि अगर आप यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी समय जाएं, चाहे आज से 1,000 साल पहले, चाहे मिलियन साल पहले या मिलियन साल बाद, या फिर आप यूनिवर्स में कहीं भी हों, चाहे धरती पे हों, चाहे किसी और गैलेक्सी में हों, इससे मैटर नहीं करेगा। अगर आप कहीं भी ऑब्जर्वेशन लेंगे किसी और स्टार की, तो यूनिवर्स लार्ज स्केल पर एक जैसा दिखाई देगा। ये स्टेडी स्टेट थ्योरी है, और इनफैक्ट कोई ऐसा जेनेसिस नहीं हुआ था, कोई 13.8 बिलियन साल पहले स्टार्ट नहीं हुआ था, हमेशा से है, इन्फिनिट टाइम पहले से और इन्फिनिट टाइम तक रहेगा। ये स्टेडी स्टेट थ्योरी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सी थ्योरी इन हम में से माने। आंसर ये है कि हम साइंटिस्ट हैं, हमें साइंटिफिक वे यूज़ करना चाहिए, और साइंटिफिक वे क्या है,
कोई भी अच्छी साइंटिफिक थ्योरी वो होती है जो कि डेफिनेट प्रेडिक्शन दे, जिनको कि तुम ऑब्जर्वेशन से फॉल्सिफाई कर सको। मैं पहले भी बात की थी कि एस्ट्रोलॉजी जो है ज्योतिष विद्या इसीलिए साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम उसे उस वो कोई डेफिनेट प्रेडिक्शन नहीं देती, और अगर डेफिनेट प्रेडिक्शन देगी तो उसे फॉल्सिफाई किया जा सकता है ऑब्जर्वेशन से। तो एक प्रेडिक्शन जो बिग बैंग थ्योरी की होती है वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। इसका मानना ये, इस प्रेडिक्शन का मानना ये है कि अगर यूनिवर्स बहुत कंडेंस्ड और हॉट स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है तो उस समय बहुत सारी माइक्रोवेव रेडिएशन जनरेट हुई होगी, जो कि हम आज भी डिटेक्ट कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो 1965 में बहुत ही अमेजिंग बात हुई कि दो अमेरिकन साइंटिस्ट न्यू जर्सी न्यूयॉर्क के पास, आर्नो पेंजाइज और रॉबर्ट विल्सन, बेल लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, और वो एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रहे थे, ये उनका जो है एंटेना था जो कि माइक्रोवेव डिटेक्ट करता था, बहुत ही सेंसिटिव माइक्रोवेव डिटेक्टर पर काम कर रहे थे। उनका पर्पस जो है ये CMB डिस्कवर करना नहीं था, उनका पर्पस जो है इंटरनेट और टेलीफोन के लिए काम करना था। अब हुआ ये कि उनका जो ये इक्विपमेंट था वो बहुत सेंसिटिव था, और वो जो है जितनी वो नॉइज़ एक्सपेक्ट करते थे उससे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ वो कैच कर रहा था। तो शुरू में तो उन्हें लगा कि उनका इक्विपमेंट भाई ख़राब है, उन्होंने जो है उसे साफ़ भी किया, कुछ उसमें से कूड़ा वगैरह निकला। उसके बाद भी उन्होंने नोटिस किया कि नॉइज़ आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। इनफैक्ट वो नॉइज़ जो है दिन में भी सेम है, रात में भी सेम है, उसका सन से कोई लेना देना नहीं है। उसे चाहे तुम एटमॉस्फियर में ऊपर पॉइंट करो, चाहे होराइजन की तरफ पॉइंट करो, जो है सेम नॉइज़ डिस्टरबेंस है। इसका मतलब वो एटमॉस्फियर से भी नहीं आ रही, क्योंकि कोई अगर एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंस होती है तो होराइजन की तरफ पॉइंट करने में कम डिस्टरबेंस होता है, और सॉरी डायरेक्ट ऊपर पॉइंट करने पे कम डिस्टरबेंस होता है क्योंकि कम एटमॉस्फियर चलना पड़ता है, और होराइजन पे पॉइंट करने पे ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है क्योंकि ज़्यादा एटमॉस्फियर कवर करना पड़ता है। सिमिलरली ये नॉइज़ हर महीने सेम थी, जनवरी में भी सेम थी और मार्च में भी सेम थी या दिसंबर में भी सेम थी, मतलब इसका कोई लेना देना नहीं था कि धरती जो है सूरज के चक्कर जब लगाती है तो कहाँ पर है, वो सेम थी। यानी ये नॉइज़ जो है सोलर सिस्टम से ही बाहर से आ रही थी। ये जो है बैकग्राउंड नॉइज़, कॉस्मिक बैकग्राउंड नॉइज़ थी, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरीज है 21st सेंचुरी की। ये डिस्कवरी इतनी बड़ी है कि उस समय बहुत स्ट्रॉन्ग डिबेट थी साइंटिस्ट के बीच, बिग बैंग थ्योरी और स्टेडी स्टेट थ्योरी के बीच, लेकिन इस डिस्कवरी ने जो है साइंटिस्ट को कन्वर्ट कर दिया बिग बैंग थ्योरी में मानने में, और इन दो साइंटिस्ट को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला। बिग बैंग थ्योरी की एक और प्रेडिक्शन ये है कि जो लाइटर एलिमेंट्स होंगे वो अबेंडेंस में होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। ऐसा मानना है कि यूनिवर्स जब बहुत कंडेंस स्टेट से चालू हुआ तो पहले धीरे धीरे तो वो कूल डाउन हुआ, 3 मिनट के अंदर 10 की पावर 9 केल्विन उसका टेम्परेचर हो पाया और कूल डाउन हुआ, एंड इट कंटिन्यूज टू कूल डाउन आज भी। तो जब मैटर कूल डाउन हुआ तो धीरे धीरे पहले हाइड्रोजन बनना चालू हुआ, फिर जो है उससे हैवियर एलिमेंट, उस हाइड्रोजन कंबाइन होकर हीलियम बना, हीलियम और कंबाइन होकर और हैवियर एलिमेंट्स बने। तो क्योंकि पहले सबसे पहले हाइड्रोजन बना था तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर उससे कम हीलियम और बाकी एलिमेंट्स और कम होने चाहिए। इनफैक्ट और ये ट्रू है कि हमारे यूनिवर्स में आज बाय मास 73% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम और केवल 2% बाकी हैवियर एलिमेंट्स हैं। तो लाइटर एलिमेंट्स की अबेंडेंस भी बिग बैंग एक्सप्लेन करता है। कंक्लूड करते हुए, पिछली एक सेंचुरी में हमने बहुत ह्यूज एडवांसमेंट्स करे हैं अपने यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग में। जो है सितारे जो हैं नाइट स्काई में वो गैलेक्सीज में क्लस्टर्स हैं, और आसमान में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है और इट कंटिन्यूज टू एक्सपेंड। और 13.8 साल पहले यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी बिग बैंग में। इनफैक्ट सितंबर 25, 2012 को नासा ने ये इमेज रिलीज़ करी थी जो कि स्पेस में हमारा सबसे दूर का व्यू है आज तक, और ये बहुत ही छोटे पोर्शन में है, मतलब चंद्रमा से भी छोटे पोर्शन ऑफ स्पेस में। हबल टेलीस्कोप को बहुत देर तक रखा गया था तो ये इमेज मिली थी, जिसे कि एक्सट्रीम डीप फील्ड इमेज कहते हैं। इसमें तुम देख सकते हो गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ साल पुरानी, मतलब सोच कर देखो ये जो गैलेक्सीज तुम देख रहे हो ये इतनी दूर हैं कि इनसे आने वाली लाइट मिलियंस ऑफ साल पहले चली होंगी वहाँ से। जब जब यहाँ से लाइट चली होगी तब धरती पर डायनासोर्स का राज होगा और आज हम इन्हें देख रहे हैं। एनीवेज,
अगर यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी इस पर हम विचार करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या यूनिवर्स का भी कभी एंड होगा। साइंटिफिक बिलीफ इस पर यह है कि हाँ, यूनिवर्स का भी एंड होगा, और यूनिवर्स का एंड होगा बिग फ्रीज में। यूनिवर्स कंटिन्यूज टू कूल डाउन, और जो है जो टेम्परेचर होगा वो एब्सोल्यूटली एसिम्प्टोटिकली ज़ीरो की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे सारे स्टार्स बुझ जाएंगे और जो है कूल डाउन हो जाएगा यूनिवर्स। बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उससे काफ़ी पहले, काफ़ी दिन पहले हमारा स्टार सूरज ही बुझ चुका होगा। थैंक यू।